हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अ फ्रेश डे। आज थर्ड डे है सिक्किम में हमारा। आज बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग होने वाला है। कल हुआ था, कल अराउंड 108-110 किलोमीटर चलाए थे और आज अराउंड उसी रेंज में वापस भी जाना है। वो 108 तो करना ही है, उसके अलावा दो स्पॉट्स और कवर करेंगे जिसके लिए हम लोग आए थे। तो वो फर्स्ट पॉइंट है युमथांग वैली, तो वो भी देखने लायक चीज़ है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। फ्लावर्स ब्लूमिंग ये वो सब एंड माउंटेन्स ये सब रहेगा। एंड सेकंड है ज़ीरो पॉइंट। तो ज़ीरो पॉइंट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस और दिस इज़ द लास्ट आउटपोस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, ऐसे बोलते हैं, जहाँ पे रोड्स ख़त्म हो जाती है। इसके आगे कोई रोड्स नहीं है, उसके आगे डायरेक्टली चाइना और वो सब है। तो लास्ट रोड मतलब एकदम ख़त्म हो गया वैसा, इसीलिए उसको ज़ीरो पॉइंट बोलते हैं। अभी 6 बजे हमारी गाड़ी आने वाली थी, तो अभी तक आई नहीं है। तो हमने उसको बोला और 10-15 मिनट्स दो, क्योंकि उठने के बाद का जो हाल था, बेहाल, मतलब किसी तरह कैसे तरह पानी से कुछ कुछ किए हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे, मतलब 5 डिग्रीज था अभी। तो अभी ये सब पहने हैं, इसके अंदर पहने हैं। तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। जस्ट व्यू दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया था और टाइम लैप्स निकालने के लिए। तो ये होटल का नाम है लाचुंग कॉन्टिनेंटल। मेरे मुँह से वो 5 डिग्री था रहा है सुबह, 5 डिग्री अभी सुबह का जितना ठंडे हो, पर हर जगह इतना गर्म है और यहाँ पे इतना ठंडा है। तो यहाँ पे ठंडी के टाइम में कितना ठंडा रहता है? माइनस होता है क्या? माइनस में नहीं जाता है, माइनस में जाता है। मैंने विदा करो। ने खाया नाश्ता? मैंने कर ले मोमो सुबह सुबह घर पे बनाया, घर पे रात को बनाया। अच्छा, तो इतनी हसीन वादियों से हम लोग गुजर रहे हैं, तो बिल्कुल भी भूल जा रहे हैं कि व्लॉग भी करना है। ज़ीरो पॉइंट और अचूला पास और ये सब तो देखा नहीं है, बट उसके पहले ये सब बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, अमेजिंग। तो ये लो जी, हम पहुंच रहे हैं अब ज़ीरो पॉइंट। तो सारे पहाड़ अभी नज़दीक आ गए हैं और स्नो भी रास्ते पे दिखने लग गया है। तो यहाँ पर है नहीं, बट पीछे था। और एक ब्यूटीफुल सा माउंटेन पूरा स्नो से ढका हुआ। वाह, बट ज़ीरो पॉइंट पॉइंट के लिए फुली तैयार। तो अभी क्या हुआ? पीछे एक सुसु ब्रेक लिया था, वहाँ प्रॉपर टॉयलेट के लिए था जगह, बट वो इतना गंदा था कि हम वहाँ कर नहीं पाए, तो हमने किया नहीं। तो हमने डिसीजन लिया आगे जाके करेंगे सुसु, बट आगे कोई भी वॉशरूम नहीं है। तो मिस्टर शेरपा जी ने बोला कि आप ये जो घर दिख रहा है इसके पीछे जा सकते हो। हाँ, तो हम लोग दोनों वहीं जा रहे हैं। स्नो क्लाउड सॉरी, गो टेक ए पोजीशन। अभी हम दोनों को कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अभी बेटी आग से पूरा पानी आया, उसका गला पूरा सूख गया है, उसको पानी चाहिए, और ऑक्सीजन भी थोड़ा कम लग रहा है। और मेरा ऐसा हालत है, मैं चल रहा हूँ तो मेरे को ऑक्सीजन कम लग रहा है, बट अदरवाइज़ मैं रुक रहा हूँ तो एकदम नॉर्मल है। और एक्टिविटी कुछ नहीं कर पा रहा, हालत ख़राब है भाई, हालत बहुत ख़राब है। ये देखो सामने सीधा पहाड़ है, क्या करेंगे भाई। पर ठीक है, ये अभी के लिए है, बट आई थिंक नॉर्मलाइज हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी कैसा लग रहा है? आँख से पानी, नाक से पानी। ऑल गुड, ओके डॉकी। जो सोचा था वो कर दिखाया। इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट प्लेस टू बी इन, ऐसा मेरे को लग रहा है। बहुत लोगों को नहीं लगेगा, बट रोड जैसे है, आपको थोड़ा डिज़ी फील होता है। आप अगर चलोगे तो लंग्स, आपको लग रहा है कि एकदम डबल कैपेसिटी में काम कर रहा है। फर्स्ट एंट्री इनटू दी स्नो, एकदम कड़क स्नो है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चल चल, देख रहे हो तो इसमें melting point पे टिप पॉइंट, इसके नीचे से आया। हाँ, बहुत बढ़िया। कारण तो जीरो पॉइंट में भाई हालत टाइट खराब हो गया। मेरे को समझ नहीं आया मेरे को हो रहा क्या है, उल्टी जैसा आ रहा है, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। मेरे को रुकने भी नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है नींद आ रहा है। तो समथिंग मतलब लोगों के लिए नॉर्मल रहेगा, बट मेरे को नहीं हो रहा। तो हम लोग देखो मुझे तो ऐसा चक्कर ऐसा आ रहा। अभी ठीक है? अगर ये मेरा हाथ जम रहा है, पकड़ नहीं पा रहे। मेरा भी हाथ जम रहा है, ये बंद कर, निकल भी नहीं रहा, टूट जाएगा। तो ऐसा है कि रोका है तो ठीक है, बट थोड़ा भी ऐसा पता नहीं कुछ अजीब ही लग रहा है। ऐसा पहला मेरे को ऐसा चक्कर जैसा आ रहा था, फिर बाद में सर रोका तो नॉर्मल लग रहा है। ऐसा दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है, ऐसा लग रहा दिमाग कोई खींच रहा है। अभी मेरा दिमाग खींच के लेके जा रहा है एकदम, मैं वो ठीक कर रहा। तो अभी दोनों ने हमने ये ले लिया इसका कर लिया हमने, तो थोड़ा ठीक लग रहा है। बैठे हाँ जी बहुत फेमस ब्लॉगर ढेर हो गया, ढेर जी कोई जीरो पॉइंट आने का, वो जीरो पॉइंट नाक से पानी निकल रहा है। बस हो गया भाई, 0 पॉइंट बस हो गया। जीरो पॉइंट में जीरो हो गया। बट मैं ज़्यादा बात कर रहा ना, और सब पैसा कमाने का बस अमेजिंग सा तरीका ढूंढ लिया। मेरे को बोलते कि तेरा जान 500-600 का